पाकिस्तान स्टील मिल के बरतरफ मुलाजमीन जो एहतियाती धरणो 11 दिन में दाखिल थी चुको है। ये जो 10 दिन से धरना लगा पड़ा है, इसके आप क्या कहें? ये तो देखिए, बात ये कि तंग आमद बजंग आमद, ये तो फिर भी अच्छे लोग हैं कि एक जमहूरी अंदाज में पीसफुली बैठे हुए हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं। तो मेरी अब एक सिर्फ जो हम खास तौर से सिंध की, कभी ये रिवायत नहीं है कि किसी के घर को या किसी की फैमिली को डैमेज करना या उनको तंग करना। तो इंशाल्लाह मैं कोई ऐसा इस नतीजे में कोशिश करूँ कि बात लेके जाए कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम गवर्नर हाउस बैठे, ना कि किसी के घर, इनके घर में भी माँ बहने होंगी। इस चीज़ का हम कभी भी सिंध में इस किस्म की रिवायत कभी भी नहीं है और इंशाल्लाह। लेकिन ये लोग तंग हुए हैं, अपनी मजबूरी से यहाँ बैठे हुए हैं। ये बेहिस हुकूमत है, क्योंकि ये खुद हुकूमत कर नहीं रहे, ये आगे सिर्फ बोने। तो इसलिए हमारी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह करे इनको इतनी अकल आए कि ये लोग कोई नाजायज़ डिमांड नहीं कर रहे। इन्होंने स्टील मिल में ज़िंदगियाँ दी हुई हैं और ये छतें इनकी हैं। अगर आपने रोज़गार और घर का वादा किया था, अगर वो नहीं निभा सकते जो भुट्टो साहब ने दिया, वो ना छीने बस। अच्छा ये बताएं, आप दूसरे इशू पे भी उस पार्टी दूसरी तंजीम में इस्तीफ़ा देती हैं, क्या स्टील मिल के इशू पे भी इस्तीफ़ा देंगी असेंबली? अगर मेरे इस्तीफे से स्टील मिल, आप कह नहीं, आपकी क्या था आपकी पार्टी? अगर हमारी पार्टी के, देखें मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पास जो कुछ है वो पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर का और बिलावल भुट्टो जरदारी का है। तो अगर स्टील मिल का फ़ायदा होता है तो एक सेकंड नहीं लगाएंगे किसी भी इस्तीफे पे। लेकिन इशू ये इस्तीफे का नहीं है, यहाँ पर हमारा मुकाबला इन बेइज्जतों से, हम इनका मुकाबला ऐवानों में भी करेंगे और रोडों पे भी करेंगे। अच्छा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन आपकी पार्टी ताल्लुक रखता है, आखिर उसमें क्यों लेट हो रहा है, इस इशू को क्यों नहीं उठाया जा रहा, क्या वजह है? हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने स्टील मिल का दौरा किया, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने स्टील मिल के इशू पर हर मीटिंग की। अफसोस की बात यह है कि ये गैर जमहूरी लोग हैं, गैर पार्लिमानी लोग हैं, जो आज भी स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन को देखते तक नहीं, रद्दी में फेंक रहे हैं। लेकिन ये इंशाल्लाह अवामी लोगों की जो नुमाइंदगी करते हैं, वो इंशाल्लाह इनको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम अवाम के साथ हैं और अवाम हमारे साथ। तो असल ताकत जमहूरियत और जमहूरी तरीके से हम इंशाल्लाह इनको, इनकी बहाली के लिए पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है? हम हर सूरत देखें, आप मुझे एक बात बताएं, कोई बाप अपने बच्चे से कभी दगा कर सकता है? ये हमारे भुट्टो बाबा की निशानी है, इसको हम संभालेंगे। जिस दिन से नेगोशिएशन के और बातचीत के दरवाजे बंद थे, दुनिया का कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो टेबल पे न लाया जाए और उस पर बातचीत न की जाए। आप यहाँ सर्दी में इस टेंट के नीचे पड़े हुए हो, सीओ साहब अंदर अपने गेट में बंगले में बैठे हुए, यहाँ नारेबाजी हो रही है, तकरीरें हो रही है, उसको पता नहीं है, वो कोई बात सोचता है उसका हमें पता नहीं चल रहा। तो हमने ये कोशिश की कि एक नेगोशिएशन का दरवाजा खुल जाए और एक राब्ता कायम हो जाए ताकि हम अपने मसाइल को उनके सामने रखें। फिर वो बकौल है उसके कि फिर गज द मैदान दे, फिर भी ये मैदान खत्म नहीं हो रहा है कोई उठा के। अगर खुदा न खास्ता हम इस नाइज पे पहुंचे कि भाई हमें कोई रिस्पांस नहीं है या हमें कोई रिजल्ट नहीं आया।